हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ, स्वागत है आज के इस वीडियो में जहां मैं बात करने वाला हूं Hyundai i20 N-Line के बारे में। अब i20 अगर आपको N-Line लेनी है तो वो कस्टमर N-Line बाय करेंगे जिनको एक हैचबैक चाहिए और साथ ही साथ थोड़ा पेपी परफॉर्मेंस रहे, उनके लिए i20 N-Line एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। इसमें वेरिएंट की बात करें तो N6 आती है, N8 आती है, खैर वेरिएंट वगैरह की बात हम वीडियो में आगे चलते हुए बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी करिए रिव्यू शुरू करते हैं। ओके जी, सर शुरुआत हम चाबी से करते हैं जहाँ पर आपको लॉक का बटन देखने को मिलता है। लॉक का बटन देखने को मिलता है, इसे प्रेस करके रखोगे तो आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी, इसे प्रेस करके रखोगे तो आपकी डिक्की खुल जाएगी। चाबी बहुत ज़्यादा सिमिलर है जैसे हमने लगभग Hyundai की गाड़ियों में देख रखा है। तो ये हमारे सामने N-Line है, इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक N6 आती है और एक N8 वेरिएंट आती है। दोनों में अच्छी चीज़ है कि मैनुअल रखी गई है और एक आपका 7-speed DCT रखा गया है। फिलहाल हमारे सामने N8 वेरिएंट खड़ी है 7-speed DCT के साथ, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 12,36,000 रुपये। अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट से हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। देखो, अगर आप रेगुलर देखोगे i20 तो थोड़े बहुत आपको फर्क ऑफकोर्स देखने को मिलेंगे N-Line में, जो कि इनकी ऑफकोर्स हमेशा रहती है। रेड एक्सेंट आपको देखने को मिल ही जाएंगे, यहाँ पे N-Line की ब्रांडिंग है। बाकी यहाँ बात करोगे तो आप देखो पियानो टच में आपको ग्रिल देखने को मिलता है, यहाँ पे प्यारा सा आपको DLS देखने को मिलता है और ये चीज़ आपकी LED सेटअप में लाइट्स हो गई। कितनी ब्राइट है, खैर मैंने रात में तो टेस्ट नहीं की बट अच्छी खासी ब्राइट है। नीचे में आपको फॉग लैंप देखने को मिलते हैं और ये जो थोड़ा सा हाउसिंग वगैरह ना N-Line में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ये जो कट एंड क्रीज है N-Line में आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। इंजन में इसके बदलाव हैं N-Line में। बात करें ये 1000cc का इंजन है, 3 सिलेंडर। आप किसी भी N-Line वेरिएंट में चले जाओ आपको 3 सिलेंडर इंजन रखा गया है। लेकिन बात करें पावर फिगर की ना, तो मतलब ये जो 4 सिलेंडर आप रेगुलर N-Line बोल रहा हूँ i20 देखते हो, उससे ज़्यादा ये पावर निकाल के देती है। 118 bhp और 173 nm का ये टॉर्क निकाल के देती है और वो आई थिंक शायद 83 bhp निकाल के देती है। तो पावर फिगर में ऑफकोर्स ये थोड़ी आपकी ज़्यादा है N-Line, और ऐसा लगता नहीं कि आप 3 सिलेंडर चला रहे हो। जब आइडल में खड़ी रहती है थोड़ी आपको वाइब्रेशन जैसे फील होती है इंजन से, बट ऐसा कुछ ज़्यादा आपको फील नहीं होने वाला है। टायर सेक्शन की बात करें, 195/55R 16 इंच का आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ ये देखने को मिलते हैं। व्हील्स रेड कैलिपर है, फ्रंट में डिस्क आती है, रियर में भी आपको डिस्क देखने को मिलते हैं। N-Line की ब्रांडिंग है और नीचे में आप देखो तो अगेन आपको स्कर्ट में देखो थोड़ा सा आपको रेड एक्सेंट देखने को मिला। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस तो इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल एडिक्वेट है। ओवरवे में आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। तो जो व्हील का डिज़ाइन है ना, वो N-Line में थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर अगर आप i20 लेते हो तो देखो ये बार बार थोड़ा सा मैं रेगुलर और ये N-Line का डिफरेंस इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो कि N-Line में मतलब बहुत सिमिलर ऐसी होती है, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंट रखे गए। रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिलती है, यानी पैसिव एंट्री, जो कि आपको उसमें भी देखने को मिलेगी रेगुलर वाले में भी i20 में। बाकी अगर रियर प्रोफाइल से बात करें तो जो इसका रियल प्रोफाइल है ना, काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आता है। ये जो कनेक्टेड टेल लैंप नहीं है बट क्रोम कनेक्टेड है, आप देखो कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है। अभी जैसे थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है इस पर, तो अब देखो क्या खूबसूरत कलर निखर के आ रहा है इसका। ग्रे कलर में गाड़ी है। यहाँ पे बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको बोल्डनेस के लिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे शाफ्ट एंटीना, यहाँ पे आपको ब्रेक लैंप रखे, रूफ वाइपर हो गए, यहाँ पे आपकी फॉग लैंप हो जाती है। बूट की बात करेंगे तो 311 लीटर का बूट स्पेस है, अच्छा खासा सामान यहाँ पे आ जाता है। एक सब बूफर भी आपको बोश का देखने को मिलते हैं। बाकी व्हील्स आपको 1 इंच छोटा देखने को मिलता है, स्टील में आपको देखने को आता है। बाकी बंद वगैरह करना है तो कोई भी इलेक्ट्रिक टेल गेट आपको देखने को नहीं मिलता। अगर आप एस्ट्रा वगैरह लेते हो रेगुलर में तो यहाँ पे एस्ट्रा लिखा था, बट इसमें आपको N-Line आ रही है और कोई भी ब्रांडिंग आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगी। पीछे से बात करें तो रियर कैमरा है, आपको 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा काइंड ऑफ कॉस्ट कटिंग हम कह सकते हैं, 4 होने चाहिए थे क्योंकि आज के टाइम पे ना इतना कंजस्टेड हो गया पार्किंग ना कि 4 होना ज़रूरी। हालांकि इसकी जो रेंज है ना, मतलब थोड़ी इधर तक भी आते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम देती नहीं है। रिफ्लेक्टर की बात करेंगे, नीचे आपको देखने को मिलते हैं। और जो इस गाड़ी को N-Line बनाती है वो है डुअल टिप एग्जॉस्ट। साउंड से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना लगाएं कि बहुत ज़्यादा लाउडनेस आपको देखने को मिलेगी, हाँ बट रेगुलर से तो थोड़ी अच्छी ऑफकोर्स देखने को मिलेगी आपको। बाकी रियर सीटों में चलते हैं हम, तो जैसे आप रियर सीट में होगे तो यहाँ पे आपको कोई सॉफ्ट टच देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर रेड एक्सेंट आपको देखने को मिलेंगे, सारे पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर बात करेंगे तो बोस के स्पीकर देखने को मिलेंगे, 1 लीटर का बॉटल आ जाएगा। बाकी एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह आपको ऐसे यहाँ पर देखने को कुछ नहीं मिल रही। बाकी सीटों में जैसे हर एक आपने देख रहा होगा Hyundai की गाड़ी के, क्रेटे में भी आप देख लो N-Line में, तो रेड स्टिचिंग वो देते ही हैं, बाकी ब्रांडिंग वगैरह N-Line की रहती है। तो एज सच इसमें भी सारा कुछ वही है। यहाँ पे आपको रेड थोड़ी सी ब्रांडिंग देखने को मिलती है, स्टिचिंग देखने को मिलती है, i20 की ब्रांडिंग हो गई। यहाँ पे आपको AC वेंट में थोड़े से आपको रेड एक्सेंट यहाँ पे रखे गए। को ड्राइवर साइड आपको सीट पॉकेट रखी जाती है। हम्प यहाँ पे देखो ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं है कि कुछ ज़्यादा परेशानी होगी, ऊंचा नहीं है। बाकी यहाँ पे एक टाइप ए चार्जर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो। बाकी मेरी हाइट है 5'9" और ये ड्राइविंग सीट मेरे अकॉर्डिंग सेट है, तो आप देखो अच्छा खासा मुझे नीरू मिल रहा है। अंदर थाई सपोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरी हाइट है 5'9", उस हिसाब से आप हेडरूम पहले देख लो। और मेरी हेडरूम ठीक, अच्छा खासा मुझे स्पेस मिल जा रहा है, लेकिन इससे अगर बड़े बंदे होंगे मतलब
5, 10, 11 कह लो आप, उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट 5, 8, 5, 9 के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी यहाँ पे आपको कोट वोट देखने को मिल जाता है, कुछ आपको हैंग करना यहाँ पे कर सकते हो, इस साइड भी आपको देखने को मिल जाता है। ये चीज़ आपकी हेलोजन सेटअप में, हालांकि टॉप एंड वेरियंट है तो LED में ऑफकोर्स ये होना चाहिए था। बाकी आपको 3-point सीट बेल्ट देखने को इसमें मिल जाते हैं, बाकी आर्मरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, एडजस्टेबल है, आप आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। खैर ये सारी चीज़ हम आगे बात करेंगे। ड्राइवर साइड डोर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अगेन थोड़ा सा रेड स्टिचिंग देखने को मिलेगी। चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको रखे गए, ओवरव्यू को फोल्ड एंड फोल्ड आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी ये चीज़ थोड़ी सी आपको ग्लॉसी ग्रे में रखी गई है। यहाँ पे बोस के स्पीकर आपको देखने को मिल जाते हैं, 1 लीटर का बॉटल आ जाएगा। यहाँ पे आपको बात करेंगे, हाई डिस्टेबल सीट रखी गई है, आगे पीछे आप कर सकते हो, बट ये इलेक्ट्रॉनिकली नहीं, आप मैनुअली कर पाओगे। यहाँ पे टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन दी गई, स्क्रीनशॉट लेके देख लेना आप। बाकी यहाँ बात करेंगे बोनट वगैरह, आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। यहाँ पे बात करें ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन है, ड्राइव मोड्स आपको देखने को मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, आप जैसे कि स्क्रीन पे वहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे बात करें हेडलाइट लेवलर है, व्यू वगैरह, कैमरा का आप सारा चीज़ वहाँ पे ले सकते हो। इन स्टार्ट स्टॉप बटन है, एसी वेंट में भी आपको यहाँ पे रेड स्टिचिंग, मतलब रेड स्टिचिंग क्या, रेड टच आपको देखने को मिलती है। बाकी एक बार आप डोर की डर सुनो, मतलब काफ़ी हैवी फील होता है, लगता है कुछ मजबूत चीज़ है। बाकी अगर सेफ्टी की बात करेंगे तो इस छोटे से हैचबैक में कंपनी आपको ऑफर करती है 6 एयरबैग, ABS, EVD, रियर पार्किंग सेंसर, कैमरा, ये सारे बेसिक आपको फीचर रखे गए, मतलब सेफ्टी का काफ़ी अच्छा ध्यान रखती है हुंडई आपका। यहाँ पे पेडल शिफ्टर आपको देखने को मिल जाते हैं स्टीयरिंग व्हील में। अब एक बार बताओ, जब मैं छोटा हुआ करता था, जब मैं देखता था कोई गाड़ी ऐसे कैसे चला सकता, गियर ऐसे कैसे चेंज हो सकता, तब मुझे लगता था काश कभी मैं भी ऐसी गाड़ी चलाऊं। अब जब चलाने लग गया हूं तो थोड़ा सा हो ही जाता है कि हाँ बोर सा हो गया, बट जब शुरू बार पेडल शिफ्टर वाली गाड़ी चलाता अब ध्यान तो नहीं कौन सी गाड़ी चलाता, बट उस टाइम बहुत मज़ा आया था। यहाँ पर बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील, आप देखोगे तो रेगुलर क्रेटा अगर रेगुलर i20 लोगे तो उसमें 4 स्पोक आता है, जिसमें पहले हमने क्रेटा में देख रखी थी, बट इसमें आप देखो 3 स्पोक का रखा गया है। और अच्छी चीज़ है टिल्ट टेलीस्कोपी आपको दोनों देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बात करेंगे तो MID में आप कंपास वगैरह देख सकते हो, टायर प्रेशर आपके रखे गए हैं, किलोमीटर पर लीटर एवरेज ट्रिप वगैरह, ये सारी चीज़ें बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हो गई। वॉइस कमांड रखा गया, कॉल रिसीव कट करना यहाँ पे कर सकते हो, क्रूज कंट्रोल रखा गया है, रिसेट वगैरह यहाँ से कर सकते हो। लाइट्स के कंट्रोल हैं यहाँ पे, वाइपर्स का आपको कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। बाकी एक बार यहाँ पे देखो, वहाँ पे आपको रेड कलर की लाइट देखने को आ रही है, एम्बिएंट लाइटिंग, जो कि एनलाइन को दर्शाता है। अगर आप नॉर्मल वेरिएंट लोगे i20 का तो ये ब्लू लाइटिंग में आती है, बट यहाँ पे रेड आपको देखने को मिलेगी। इनलाइन की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग रखी गई। वन ऑफ द बेस्ट थिंग है हुंडई i20 में कि आपको मैनुअल पेट्रोल में भी आती है, मतलब सॉरी इनलाइन पेट्रोल में भी आती है, और आपकी इनलाइन 7 स्पीड DCT के साथ भी आती है, तो जैसे ही आपकी नीड है वैसे आप जा सकते हो, कोई फोर्स नहीं। बाकी PR&D आप देख सकते हो। यहाँ पे आर्मरेस्ट के नीचे स्पेस आपको रखा गया है, 2 कप होल्डर आपको देखने को मिलते हैं, एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपकी हैंड ब्रेक होगी, कूल ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, और ये जो थोड़ा सा पैटर्न है तो ये कहीं कहीं रगड़ पैटर्न ऑफकोर्स थोड़ा सा फील कराता है। बाकी SOS का आपका फंक्शन रखा गया, ट्विन हुक वगैरह। बाकी लाइट्स वगैरह आपके हेलोजन में ही रखे गए, सनग्लास होल्डर आपको देखने को मिल जाते हैं, एंड हो जाओ। यहाँ पे बात करें तो आपका पसंदीदा फीचर सनरूफ भी रखा गया है, बाकी कोई भी लाइट्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, टिकट होल्डर है, और ये अच्छा खासा स्पेस भी यहाँ पे छोड़ देता है। यहाँ बात करें तो मिरर, बट कोई भी लाइट्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी ऑटोमेटिक आपके AC के कंट्रोल हो गए, यहाँ पे आप टेम्परेचर अप डाउन करना यहाँ से कर सकते हो। बाकी ब्लोवर की स्पीड बढ़ानी घटानी है बिल्कुल यहाँ से कर सकते हो। बाकी यहाँ पे वायरलेस चार्जर है, USB Type-A है, एक 12 वोल्ट का चार्जर है, Type-C का आपको यहाँ पे चार्जर देखने को मिल जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी स्पेस के मामले में देखो अच्छा खासा स्पेस है, बाकी आप डेड पेडल देखने को मिल जाता है। ये 10 इंच का स्क्रीन है जो कि सपोर्ट करेगा एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, और अर्गोनॉमिक्स वाइज भी बढ़िया है क्योंकि आपको काफ़ी सारे शॉर्टकट बटन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ज़्यादा कोई आपको परेशानी नहीं, ज़्यादा नज़र उतारने की भी जरूरत नहीं है। टच स्क्रीन बिल्कुल वैसे जैसे हमने क्रिएटा वगैरह में देख रखे, स्मूथ है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती नहीं है इसमें। सो यही कुछ बातें थी दोस्तों हुंडई i20 इनलाइन के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी हमारी रिव्यू आपको पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर करें लाइक। जब भी गाड़ी चलाए सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें, बाइक राइडिंग दौरान हेलमेट का प्रयोग जरूर करें।